खराना, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेखा जी, आज अपने मीडिया को बुलाया है, ऐसा क्या मौका है, बताना चाहिए? ये मौका बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि मेरी फिल्म यहाँ मीना बिकती है, प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय कुमार राज विद अ जॉइंट वेंचर विद MD4 प्रोडक्शन फ्रॉम कैमरून। इट्स अ ऑस्कर एंट्री फ्रॉम कैमरून। तो हिंदी फिल्म है जो कि एक अफ्रीकन कंट्री से ऑस्कर की एंट्री बनी है, एंड वेयर आई एक्टेड एज अ टाइटल लीड। अमीना का रोल मैंने उसमें किया है। किस तरह की मूवी है जो टाइटल से जैसे नाम से अलग है? ये जो फिल्म है, इट्स अ स्टोरी अबाउट अ यंग गर्ल, 16 साल की लड़की है, जिसके अम्मी अब्बू उसे एक शेख को बेच देते हैं जो कि 70 साल का है। तो उस तरह का स्टोरी है। आपकी बात करें, पहले आपकी मूवी भी ऑस्कर में जा चुकी है, सेकंड मूवी है नॉमिनेशन में है जी, कितनी खुशी है आपके साथ? बहुत बड़ी बात है, बहुत ऑनर की बात है, प्राउड की बात है, क्योंकि एक फिल्म तो जा सकती है, बट दो फिल्में जाना और करियर की स्टार्टिंग में और वेरी अर्ली स्टेज दो मूवीज़ को ऑस्कर के लिए चुना जाना बहुत बड़ी बात है। और मैं ऐसा फील करती हूँ कि ऑल माय हार्ड वर्क, ऑल माय सिंसियरिटी, डेडिकेशन इज़ गेटिंग पेड ऑफ, सो दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। इसके लिए मैंने शूट किया है मुंबई, सिनेगल, गाम्बिया, कांस, कैमरून, ये सारी कंट्रीज़ में शूट हुआ है। और ये फिल्म के लिए मैंने काफ़ी ट्रेनिंग ली है, क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे शॉट्स थे जहाँ पे मैं ट्रेंड हो रही हूँ रिवेंज के लिए, तो काफ़ी बहुत टफ, जैसे कि यहाँ से लेके वहाँ तक मुझे एक ट्री से लेके दूसरे ट्री तक सिर्फ और सिर्फ एक रस्सी के थ्रू जाना है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट शॉट्स और शॉट्स किए हैं मैंने ये फिल्म के लिए। प्लस ये फिल्म में मैं लाइंस के साथ चली हूँ, जो कि आज तक शायद कोई भी एक्ट्रेसेस ने नहीं किया है। मेरा एक शॉट है जिसमें मैं दो अपने साइज़ के लाइंस के साथ वॉक कर रही हूँ, तो वो बहुत, दैट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट सीन आई हैव एवर शॉट, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट सीन को करने के लिए मैं कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड थी, एंड इट वाज माय बर्थडे आल्सो लास्ट ईयर, तो मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि आज ये मेरा लास्ट डे भी हो सकता है, बट लेट इट गो, मुझे अगर करना है ये सीन और अगर मैंने ये मूवी का रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, बट यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन ऑन द सेट, बिकॉज एंड ऑफ द डे दे आर एनिमल्स। तो शेरों के साथ जी बिल्कुल, और वहाँ पे जो ट्रेनर थे उन्होंने भी कहा था कि यू आर लाइक अ साइज ऑफ देयर फूड, लाइक मतलब उनका खाना हो एक तरह से तुम, तो बी वेरी केयरफुल द वे यू वॉक विद देम, बी वेरी केयरफुल कि उनके कितना दूरी तक जाना है, तो एक इंसान डर जाता है, तो मैं काफ़ी डरी हुई थी वो सीन करने से पहले। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली जी। आपकी कैरियर की शुरुआत बहुत ही विचित्र मानी जाती है, क्योंकि एक फिल्म है जो बड़े बड़े सैटेलाइट या फिर बड़े बड़े सिनेमा घर में नहीं, एक दीवारों पे नॉर्मल पोस्टर था, किसी को मालूम नहीं था कि फिल्म इतनी हिट हो जाएगी जी, ऑस्कर पे पहुंच जाएगी जी। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? स्ट्रगल सब करते हैं, लेकिन आपका स्ट्रगल कैसा रहा? मेरा स्ट्रगल, मैं जब से बॉम्बे आई थी अपना बैरी जॉन एक्टिंग स्कूल कंप्लीट करने के बाद, तभी से मैं बहुत ही पॉजिटिव थी अपने करियर को लेके, अपने काम को लेके, और मुझे कहीं ना कहीं ये पता था कि मुझे बॉम्बे जाना है, एंड इंडस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट ग्लैमर, इंडस्ट्री में आने के लिए द अमाउंट ऑफ हार्डवर्क यू हैव टू पुट इन, the amount of sincerity, dedication you have to put in, that is must. Glamour के पीछे जो बहुत बड़ी मेहनत होती है आर्टिस्ट की, वो लोग कहीं ना कहीं देखना भूल जाते हैं, क्योंकि all over the world famous होना it's not a small thing, और artist होते हैं क्योंकि वो उस तरह से dedicate अपने आप को करके वो काम करते हैं, फिल्म्स करते हैं और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। तो जब मैं बॉम्बे आई थी, तभी से मुझे पता था कि मुझे हार्डवर्क करना है,
and that is the only way to succeed, and I was ready to ready for that. तो मैं बहुत ही फॉर्चुनेट थी, जैसे ही मैं बॉम्बे आई तो मुझे दिनेश ठाकुर जी के साथ थिएटर करने की अपॉर्चुनिटी मिली. मैंने उनके साथ वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस प्ले जिस लाहौर ने देखा किया है, उसके 200 शोज किए हैं ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड. सो ड्यूरिंग वन ऑफ माय प्लेज कुमार राज सॉ मी परफॉर्मिंग ऑन स्टेज एंड दैट टाइम ही वॉज मेकिंग तारा एंड ही कॉल्ड मी फॉर ऑडिशन. And that's how I signed a 3-film deal with the Kumar Raj production, and they selected me for to play Tara, and that was a very beautiful moment for me because the script was very nice. When I read the script of Tara, I said, wow, this is what I want to do, this is what I want to be a part of. जी, तारा से मेरे करियर की शुरुआत हुई, क्योंकि जैसा आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि कैसे आप आई बॉम्बे, तो वो जर्नी जी तो क्या अभी पीछे मुड़ के देखेंगे आप? अभी तो फिलहाल मैं आगे ही देख रही हूँ. पीछे मुड़ के देखना तो पता नहीं, मैं कभी बिलीव नहीं करती हूँ पीछे मुड़ के देखने में. पर हाँ, जो मेरी जर्नी है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मैंने हार्डवर्क किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और बहुत पैशनेट थी मैं फिल्म इंडस्ट्री को लेके, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर सिंस माई चाइल्डहुड. सो आई एम हैप्पी आई एम हियर एंड आई एम वेरी कंटेंट एंड वेरी हैप्पी. आई हैव अ नेम, इंटरनेशनल नेम. तारा को इंटरनेशनली बहुत ही लोगों ने सराहा है, द परफॉर्मेंस और द मूवी एंड स्टोरी जो हमने उस फिल्म में दिखाया है, एवरीबडी लव द फिल्म. एंड अभी लॉस एंजलिस में अभी एक रेड कार्पेट है तारा के लिए, रेड कार्पेट Q&A स्क्रीन कर रहे हैं वो लोग फिल्म, वर्ल्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन लॉस एंजलिस. तो वहाँ पे हम लोगों की फिल्म इज़ द मेन फिल्म दे वांट अ शो टू द पब्लिक. सो इट्स अ ग्रेट ऑनर. आई वाज प्लानिंग टू गो, पर अभी शायद मेरा इतना कंफर्म नहीं है, बिकॉज आई रिसेंटली केम बैक फ्रॉम USA. आई एम ऑल्सो वर्किंग इन अ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, तो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. पर अभी मैं आई हूँ और आज ऑलरेडी इट्स धनतेरस, तो आफ्टर 2 days आई हैव टू फ्लाई. Let's see. I'm hoping for the best. अगर जाना पड़ा तो definitely I will go. अगर बात करें इस मूवी की, आपकी एक रियल स्टोरी है, अक्सर ऐसा होता है जी, शेख लोग जो है बाहर कंट्री से लड़की कम उम्र की लड़कियों से शादी करते हैं, ऐसे करते हैं जी, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? एक असली घटना है, असली कहानी है. यस, ये एक रियल स्टोरी है हैदराबाद की एक लड़की की, यहाँ अमीना बिकती है, उसी के ऊपर बेस्ड है. ऐसा हो रहा है, बहुत टाइम से हो रहा है, अभी भी हो रहा है. तो ये फिल्म कहीं ना कहीं उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश है, एक सब्जेक्ट को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश है विद अ मैसेज. तो लेट्स सी हम लोग कहाँ तक कामयाब होते हैं और कितना कामयाब होते हैं ये इशू को लेकर आगे बढ़ने में. We are hoping for the best, but drop by drops becomes an ocean. तो ये हमारी एक छोटी सी ड्रॉप है, एक शुरुआत की, कि ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर अमीना की बात करें, अमीना का किरदार किसने किया? मैंने किया है. कितने साल की इसमें दिखाई है? मैं इसमें 16 साल की बनी हूँ. क्या लगता है, गेटअप मेकअप वगैरह कुछ? विदाउट मेकअप हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, और ट्रेन किया है अपने आप को, वेट काफ़ी रिड्यूस किया है, प्लस मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम विदाउट मेकअप इन द फिल्म. यू विल सी आपके साथ में और कौन है सहकलाकार की? मेरे सहकलाकार हैं अनंत महादेवन जी, जो कि एक ग्रेट एक्टर हैं. मैंने उनके साथ बहुत सारे सीन्स हैं मेरे मूवी में, और उनके साथ काम करने का मुझे अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर. तो इट वॉज ग्रेट. प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें कैमरूनस के एक्टर हैं और इंडिया से इसमें थिएटर एक्टर्स हैं.
थैंक यू.